कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए राणा एजुकेशन को और करे अपने NCHMCT JEE UGC NET का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। 14 मई 2023 को NCHMCT JEE 2023 का एग्जाम गाइस होना है। अगर हम आज से काउंट करें तो 50 डेज के आसपास आपके पास टाइम बचा है इस एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए। राणा एजुकेशन अपने 3 बैच ऑलरेडी खत्म कर चुका है। 3rd बैच की क्लासेस हमने कुछ टाइम के लिए होल्ड कर रखी हैं, क्योंकि बहुत से बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर हमारे प्लस टू के एग्जाम चले हुए हैं, 31 मार्च तक एटलीस्ट क्लासेस को होल्ड कर दिए जाए। तो क्लासेस अभी होल्ड हैं, बट 5th ऑफ अप्रैल को राणा एजुकेशन इस साल का NCHMCT JEE 2023 का लास्ट बैच, 4th बैच जो कि होने वाला है वो शुरू करने वाले हैं। उस बैच में हम सब कुछ पढ़ने वाले हैं गाइस। तो नमस्कार, मेरा नाम है मनोज राणा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राणा एजुकेशन। अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें गाइस, प्रेस दैट बेल आइकन ताकि फ्यूचर में आने वाले सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे, मैं आपको बताता हूं कि वो बैच कहां है, वो कोर्स कहां है, क्लासेस कब से कब होने वाली हैं, टाइमिंग क्या रहने वाली है, आपको डेली वहां पे मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं और उस कोर्स में आपको और क्या क्या मिलने वाला है। ओके, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ऑलराइट, तो गाइस ये रहा टाइम टेबल उस बैच का जो हम 5 तारीख को शुरू करने वाले हैं। टाइम टेबल फॉर कंप्लीट कोर्स ऑफ NCHMCT JEE 2023 बैच 4 है गाइस। ये बैच 3 बैच हम ऑलरेडी कर चुके हैं गाइस। क्लासेस शुरू कब से हो रही हैं? क्लासेस विल स्टार्ट फ्रॉम 5th ऑफ अप्रैल। ऑलराइट, 5 अप्रैल को हम क्लासेस को शुरू करने वाले हैं गाइस। टिल 13th ऑफ मई। आपको पता है 14 मई को आपका एग्जाम होने वाला है, 13 मई तक हम आपको पढ़ाने वाले हैं विद एवरीथिंग। ओके, अगर आप 5 अप्रैल से काउंट करेंगे तो गाइस 40 डेज का एक क्रैश कोर्स रहने वाला है विद लाइव क्लासेस एंड लॉट ऑफ मॉक टेस्ट। बहुत सारे मॉक टेस्ट आपको मिलने वाले हैं। अगर हम क्लास टाइमिंग की बात करें गाइस, तो क्लास टाइमिंग आपकी रहने वाली है 6 to 7 PM मंडे टू थर्सडे, है ना, एंड मॉक टेस्ट आफ्टर एवरी क्लास। ये इसका क्रक्स है। आपको जो भी टॉपिक पढ़ाया जाएगा, फॉर एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं अल्फाबेट, यू नो, या कोडिंग डिकोडिंग, वो आपको पढ़ाया जाएगा 6 to 7, और उसके बाद उसी टॉपिक के आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे ताकि आप अपने आप को इवेल्युएट कर सको कि आप कितना उसमें स्कोर कर पा रहे हैं, है ना। तो मॉक टेस्ट तो आपको हर एक क्लास के बाद मिलेगा, एंड फ्राइडे एंड सैटरडे को भी आपको गाइज मॉक टेस्ट मिलेंगे, प्लस साथ में क्लास टेस्ट भी आपको गाइज यहाँ पे मिलने वाला है। ऑलराइट, संडे विल बी रेस्ट, है ना, एंड आई विल ट्राई टू गिव यू मॉक टेस्ट ऑन संडे एज वेल, बिकॉज 40 डेज का टाइम बचा है हमारे पास, है ना, तो हम संडे को भी एक मॉक टेस्ट तो लगा ही सकते हैं। ऑलराइट, और संडे को मैं कोशिश करूंगा कि आपको जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उनका मॉक टेस्ट आपको एज अ टेस्ट वहां पे असाइन करूं, है ना। 5 को हम शुरू करेंगे, 5 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग। ओके, अब आप यहाँ पे गाइज देख सकते हैं डे वाइज, 5 तारीख को पढ़ेंगे अल्फाबेट क्लासिफिकेशन और उसके बाद इनके मॉक टेस्ट। 6 को एनालॉगी कोडिंग डिकोडिंग, उसके मॉक टेस्ट। 7 को नंबर सीरीज एंड सिटिंग अरेंजमेंट, है ना, और उसके मॉक टेस्ट। ओके, 8 और 9 को आपका सैटरडे और संडे है, तो यहाँ पे आपको मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं। 10 को हम करने वाले हैं नंबर रैंकिंग एंड टाइम सीक्वेंस टेस्ट विद डायरेक्शन सेंस टेस्ट। ओके, उनके मॉक टेस्ट। देन 11 को, 12 को, 13 अप्रैल, 14 अप्रैल, आप देख सकते हैं टॉपिक आपके सामने रखे हुए हैं। ये सारे टॉपिक जो हैं गाइस, हम इन पर्टिकुलर डेज को कवर करेंगे और साथ में इनके आपको मॉक टेस्ट भी आफ्टर एवरी क्लास यहाँ पे मिलने वाले हैं। 15 तारीख तक हम रीजनिंग खत्म कर चुके होंगे, तो आपको मिलेगा क्लास टेस्ट फॉर रीजनिंग, है ना, एंड 2014 का पेपर। आप इसमें एक और चीज देखते जाइएगा, जैसे यहाँ पे 15 अप्रैल को आपको मिल रहा है 2014 का मॉक टेस्ट, है ना, 13th ऑफ मे तक हम 2022 तक का मॉक टेस्ट यहाँ पे गाइज कर चुके होंगे। मतलब इस टाइम टेबल में आपको पिछले 8 सालों के जो एग्जाम हुए हैं NCHMCT JEE के, वो सारे मॉक टेस्ट में आपको मिलने वाले हैं इन 40 डेज के अंदर। इन 40 डेज के अंदर आप जो आपके टॉपिक्स हैं उन सभी के मॉक टेस्ट आपको मिलने वाले हैं, प्लस हर एक टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा, प्लस पिछले 8 सालों के पेपर भी आपको करवाए जाएंगे। आप आगे देखते रहे। 15 तारीख को आपको 14 का पेपर मिलने वाला है और 16 तारीख को आपको मिलेगा मॉक टेस्ट ऑफ 2015 NCHMCT JEE एग्जाम। और ये गाइस मॉक टेस्ट मैंने एक हफ्ता पहले एक वीडियो बनाया था, वहां पे 2019 का पेपर मैंने आपको फ्री असाइन किया था, तो जो आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो आप उसको अभी जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पे। तो जैसे वो डिजाइन किया गया गाइस, है ना, जैसे आपका NTA एग्जाम लेने वाला है, बिल्कुल वैसे ही मॉक टेस्ट को डिजाइन किया गया है। आप डेमो के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मॉक टेस्ट का डेमो अलग से दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, है ना। 17 तारीख से लेकर 28 अप्रैल तक हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स, है ना, मैथ्स के 30 क्वेश्चन आते हैं गाइस।
तो आप देखें 17, 18, 19, 20 डेट्स लिखी हैं, आगे इनके टॉपिक लिखे हैं। 17 को हम कवर करेंगे नंबर सिस्टम एलसीएम एचसीएफ, 18 को हम कवर करने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन एवरेज देन प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस परसेंटेज, हर एक टॉपिक है ना आपको यहाँ पे देखने वाला है गाइज। इस टाइम टेबल का जो पीडीएफ है मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। प्लस आप जैसे ही इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे तो वहां भी आपको ये टाइम टेबल गाइज दिखने वाला है। 21-22 को आपको मिलेगा मॉक टेस्ट, 24 तारीख और 25 तारीख को हम पढ़ने वाले हैं वर्क एंड टाइम, टाइम स्पीड डिस्टेंस, मिक्सचर एलिगेशन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और इनके मॉक टेस्ट आफ्टर द क्लास। देन 26-27 को मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशंस, प्रोबेबिलिटी एंड डीआई। ऑलराइट, ये डेट्स आपके सामने हैं, ये टॉपिक हम इन डेट्स को कवर करने वाले हैं, प्लस इसके बाद इनके मॉक टेस्ट आपको मिलने वाले हैं। 28 तारीख को आपको मैथ का क्लास टेस्ट मिलने वाला है और क्योंकि 14-15 का पेपर हम पहले कर चुके हैं तो उसी दिन आपको मिलेगा 16 का एग्जाम जो एनसीएचएम ने करवाया था, पूरे 200 क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ मॉक टेस्ट। ओके, 29 अप्रैल को हम शुरू करने वाले हैं इंग्लिश, 29 से लेकर 6 तक हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश। इंग्लिश आपके आते हैं 60 क्वेश्चन। ओके, तो आप देखें 29 को हम पढ़ रहे होंगे स्पॉटिंग एरर रीअरेंजमेंट, 30 को हम पढ़ रहे होंगे, 30 को एक्चुअली फ्राइडे या सैटरडे होगा तो उस दिन मॉक टेस्ट है और मॉक टेस्ट आपको मिलने वाला है 17 एग्जाम का, है ना, क्योंकि आपको पता है हमारी क्लासेस मंडे से थर्सडे रहेंगी, बाकी दिन आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे। तो आप, मैंने कहा था कि इस पूरे टाइम टेबल में हम 2014 से लेके 22 तक के पेपर भी करने वाले हैं, तो 17 तक हम यहां तक 17 तक पहुंच चुके हैं। ओके, 1 मई, 2 मई, 3 मई को सेंटेंस कंप्लीशन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सिनोनिम्स एंटोनिम्स, स्पेलिंग टेस्ट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिंगुलर प्लुरल, सभी टॉपिक डिस्कस किए जाएंगे और इनके मॉक टेस्ट आपको दिए जाएंगे। 4-5 मई को idioms, phrases, analogy, closures and reading comprehension, इनकी क्लासेस की जाएंगी लाइव क्लासेस प्लस इनके मॉक टेस्ट। उसके बाद 6 तारीख को इंग्लिश का क्लास टेस्ट एंड 2018 का पेपर एनसीएचएम का आपको प्रैक्टिस के लिए दिया जाएगा। ओके, 7 मई को आपको मिलेगा मॉक टेस्ट ऑफ 2019 एग्जाम और ये मैंने वैसे फ्री कर रखा है, आपने मेरे प्रीवियस वीडियो में देखा होगा, है ना। जिन बच्चों ने ऐप को डाउनलोड किया है वो स्टडी मटेरियल में जाके फ्री टेस्ट में जाके इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। 8 मई से लेके 10 मई तक हम करने वाले हैं सर्विस एप्टीट्यूड, सबसे इजी टॉपिक, 50 क्वेश्चन यहां से आते हैं, 8, 9, 10 टॉपिक्स आपके सामने हैं, ये हम डिस्कस करने वाले हैं, है ना। होटल डिपार्टमेंट्स क्या होते हैं, सर्विस एम्प्लॉय क्वालिटीज क्या होती है, सिचुएशन हैंडलिंग कैसे क्वेश्चन आते हैं, है ना, कम्युनिकेशन एंड मैनेजमेंट, डिसीजन मेकिंग एंड सिचुएशन हैंडलिंग, सारे टॉपिक्स हम विद लॉट ऑफ मॉक टेस्ट आपको बताने वाला हूँ, डेली के आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे। ओके, देन 10 तारीख को क्लास टेस्ट मिलेगा किसका, सर्विस एप्टीट्यूड का, और 2020 का एग्जाम का मॉक टेस्ट। 19 हमने पहले कर लिया था, हम 20 तक यहाँ पे गाइस पहुंच चुके हैं। 11 मई से लेके 13 मई तक हम करने वाले हैं जनरल अवेयरनेस। ओके, इसमें 11, 12, 13 को हम करेंगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी एंड जीके एंड होम साइंस और इनके मॉक टेस्ट आपको मिलने वाले हैं, है ना। 12 मई को हम करेंगे मॉक टेस्ट ऑफ एनसीएचएम सिटी जेडब्ल्यू, 21 में जो एग्जाम हुआ था वो मिलेगा। 13 मई को गाइस आपको मिलेगा 22 में जो एग्जाम हुआ था लास्ट ईयर, है ना, वो मिलने वाला है, प्लस आपका जीए का आपको एज अ क्लास टेस्ट भी यहाँ पे दिया जाएगा और आपको पता है 14 मई को आपका 23 का एग्जाम होना है। ओके, तो आप देखिए पूरा कंप्लीट टाइम टेबल है, यहाँ पे हमने सब कुछ कवर किया है गाइस। अब मैं आपको दिखाता हूं कि जो ये कोर्स कहाँ पे है, है ना, आप इसको कैसे ज्वाइन करेंगे। ऑलराइट, 2023 एडवांस एनसीएचएम सिटी जेडब्ल्यूई कंप्लीट कोर्स, जिसका प्राइस रखा गया है ओनली 999। जी हाँ, बिल्कुल सबसे अफोर्डेबल प्राइस हमने इस कोर्स का रखा है, 999 ओनली। अब यहाँ पे देखें इसकी वैलिडिटी कब तक है, 14 मई 2023, मतलब एग्जाम तक आपकी वैलिडिटी इसमें रहने वाली है ना गाइस। तो ये वो कोर्स है, ये कोर्स आपको कहाँ मिलने वाला है, ये कोर्स आपको मिलेगा मेरी एप्लीकेशन राणा एजुकेशन में। ओके, अब इस एप्लीकेशन को डाउनलोड इंस्टॉल कैसे करना है, इस पे अलग से वीडियो बनाया है, आपको ऊपर आई बटन में दिख रहा होगा उस वीडियो का लिंक और मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दिया है गाइस। ओके, तो वहां से जाके उस वीडियो को देख के आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड इंस्टॉल कर सकते हो, बहुत ईजी है। आप प्ले स्टोर पर जाओ, टाइप राणा एजुकेशन, वहां पे MR करके एक लोगो आएगा, वो मेरी एप्लीकेशन है, नहीं तो आप उस वीडियो को देखो, आप समझ जाओगे हाउ टू डाउनलोड, हाउ टू इंस्टॉल दैट ऐप। ओके, आप इस कोर्स को फाइंड कैसे करना है, आपने एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिया, इंस्टॉल कर लिया, देन यू विल गो टू स्टोर, आपके यहाँ पे स्टोर दिख रहा होगा, आप डायरेक्ट स्टोर में जाएंगे। ये स्टोर पे आने के बाद आपने जाना है, यहाँ पे फोल्डर दिखेंगे आपको, आप जाएंगे एनसीएचएमसीटी जेडब्ल्यूई, जिसके यहाँ पे
ब्रैकेट में 12 लिखा हुआ है। आप इसको क्लिक करेंगे तो एनसीएचएम सिटी जेडब्ल्यू के जितने भी कोर्सेज हैं आपको यहाँ पे सब दिख जाएंगे, क्योंकि मैंने अलग अलग से जैसे रीजनिंग का अलग से कोर्स बनाया है, मैथ्स का अलग से बनाया है, ओके, और इंग्लिश का अलग से बनाया है, एमएससी का अलग से बनाया है, ओके। बट आपके हम जो जिस कोर्स में बात कर रहा हूँ उसका नाम है गाइस 2023 एडवांस एनसीएचएम सिटी जेडब्ल्यू कंप्लीट कोर्स, जिसका प्राइस 999 रखा है। ऑलराइट, अब इसको देख लेंगे, एनसीएचएम सिटी जेडब्ल्यू आप पढ़ लेंगे, ओके, 2023 इस पे क्लिक करेंगे तो कोर्स गाइज यहाँ पे ओपन हो जाएगा। नाउ ये इसका डिस्क्रिप्शन है, इसको आप ध्यान से पढ़ लेना, इसमें क्या क्या आपको मिलने वाला है। मैंने इस डिस्क्रिप्शन पे भी एक अलग से वीडियो बनाया है ना, कि इसमें आपको क्या क्या मिल रहा है। कंटेंट पे एक अलग से वीडियो बनाया है, उसका लिंक अभी आपको आई बटन में दिख रहा होगा, है ना, तो वहां जाके आप देख सकते हैं कि इसमें डिटेल में आपको क्या क्या मिलने वाला है। मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूं, आप इसके कंटेंट में जाएंगे, ओके, कंटेंट में जाके आप देखें, यहाँ पे अलग अलग फोल्डर बने हुए हैं, मोटिवेशनल ओपनिंग वीडियो है, देन एग्जाम पैटर्न सिलेबस है, देन इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, सर्विस एप्टीट्यूड एंड जनरल अवेयरनेस। आपको बता आपके सिर्फ 5 टॉपिक हैं, है ना। आपको मैं एक का एग्जांपल दूंगा, बाकी सबके लिए भी सेम है। जैसे हम इंग्लिश की बात कर लेते हैं, क्योंकि इंग्लिश सबसे स्कोरिंग आपका एक सब्जेक्ट है, इसमें कि 60 क्वेश्चंस आते हैं, है ना। इसको ओपन कर लेते हैं, जैसे आप फोल्डर को ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको जैसे वीडियो लेक्चर्स है ना, तो यहाँ पे आपको हर एक टॉपिक के रिकॉर्डेड वीडियोज मिलेंगे, ओके। जैसे इंग्लिश है तो फर्स्ट है, जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, आर्टिकल्स है, मैंने इसमें एक्स्ट्रा वीडियो भी डाले हुए हैं, क्योंकि ग्रामर से बहुत क्वेश्चन आते हैं, है ना। पार्ट्स ऑफ स्पीच है, पार्ट्स ऑफ स्पीच पार्ट टू है। उसके बाद हमारे जैसे मेन टॉपिक्स हैं, स्पॉटिंग एरर, रीअरेंजमेंट, सेंटेंस कंप्लीशन, ये सब वीडियो रिकॉर्डेड है। यहाँ पे इन सभी टॉपिक्स को बहुत ही डिटेल में समझाया हुआ है, ओके। तो ये हमारे उस फोल्डर का पहली फाइल थी, ओके। देन पीडीएफ नोट्स इसमें आपको मिल जाते हैं, देन एमसीक्यूज आपको बताया गया है कहाँ से मिलेंगे, देन मॉक टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है ना। अब आप देखें गाइस, यहाँ पे मॉक टेस्ट जो है वो आपके टॉपिक्स के हिसाब से दिए हुए हैं, ओके। जैसे आपका स्पॉटिंग एरर है तो इसमें 4 मॉक टेस्ट है, 4 मॉक टेस्ट का मतलब है एक मॉक टेस्ट में 20 क्वेश्चन है, तो आपके 80 क्वेश्चन तो स्पॉटिंग एरर के हो गए। देन रीअरेंजमेंट के 3 मॉक टेस्ट है, सेंटेंस कंप्लीशन के 3 मॉक टेस्ट है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के 3 मॉक टेस्ट। आप देखें हर एक टॉपिक के इंडिविजुअल मॉक टेस्ट आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं, ओके। उसके बाद गाइज आप लास्ट में देखें रिकॉर्डेड लाइव लेक्चर। अब ये क्या है, रिकॉर्डेड लाइव लेक्चर्स मींस जो आज से पहले जितने भी क्लासेस लाइव क्लासेस हुई हैं, है ना, जब से हमने शुरू किया, आपको दिखा देता हूं मैं, 2021 से हमने शुरू किया था गाइज, ओके। वैसे 20 से शुरू हो गया था, लेकिन उस टाइम क्लासेस कहीं और होती थी, यहाँ पे ऐप जो है, ऐप में क्लासेस जो 21 से हो रही है, तो 21 में जितने भी हमारी क्लासेस हुई, है ना, जितने भी हमारे बैच निकले, आपको लाइव क्लासेस रिकॉर्डिंग यहाँ मिल जाएगी। 22 के यहाँ मिलेगी, 23 की अगर मैं बात करूं तो 23 में जो हमारा थर्ड बैच हुआ है, अभी जो फर्स्ट बैच हुआ है ना, उनकी क्लासेज जो हुई हैं लाइव क्लासेज, वो रिकॉर्ड होके यहाँ पे अपलोड की गई हैं, आप उनको किसी भी टाइम देख सकते हो, कोई लिमिट नहीं है, ओके। तो ये गाइस मैंने आपको इंग्लिश का बताया है ना, जैसे इंग्लिश का फोल्डर था, ओके, इंग्लिश का फोल्डर था, तो इसमें जो जो था वो सेम चीज आपको रीजनिंग मिलेगी, मैथ्स में मिलेगी। जैसे रीजनिंग है तो यहाँ भी रिकॉर्डेड वीडियोज हैं, पीडीएफ है, एमसीक्यूज है, मॉक टेस्ट है, 61 मॉक टेस्ट रीजनिंग के, और रिकॉर्डेड लाइव क्लासेज है, ओके। तो ये तो हमारे 5 मेन सब्जेक्ट हो गए, उनके मॉक टेस्ट यहाँ पे हैं, उनके रिकॉर्डेड वीडियोज यहाँ पे हैं, उनके लाइव क्लासेज की रिकॉर्डिंग भी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। देन हमारा आता है मॉक टेस्ट फॉर प्रीवियस ईयर पेपर, ओके। तो मैंने कहा था कि हमारे 2014 से लेके 22 तक के आपको सारे पेपर मॉक टेस्ट में कन्वर्ट किए गए हैं गाइज, और वो सभी आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। 21 तक के अपडेट कर दिए गए हैं और 22 का बहुत जल्दी इसमें अपडेट हो जाएगा। देन आप उसके बाद देखें मॉडल टेस्ट पेपर, है ना, ये तो आपके प्रीवियस ईयर पेपर हो गए, प्लस अलग से भी आपको 3 पेपर अलग से और दिए हैं मॉडल टेस्ट। इसमें टोटल आपके 3 सेट हैं, ये तो 600 क्वेश्चन तो आपको गाइज ये बन जाते हैं, ओके। देन मंथ वाइज ये आपको यहाँ पे मिल जाता है 2018 ऑनवर्ड, हॉस्पिटल इंडस्ट्री न्यूज मिल जाती है, एंड मोटिवेशनल एंडिंग वीडियो। एंडिंग वीडियो मीन्स यहाँ पे आपको बताया गया है कि नेगेटिव मार्किंग कैसे हैंडल करनी है, एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी है, बहुत कुछ आपको गाइस इसमें बताया हुआ है, ओके। तो ये हमारे कोर्स का कंटेंट था, जिसको ज्वाइन करने के लिए गाइस आप यहाँ पे देखें, आपको बाय नाउ की ऑप्शन आएगी, आप उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो पेमेंट पोर्टल खुल जाता है ना, वहां पे आप गूगल पे बहुत सारी ऑप्शन है, आप किसी से भी पे कर सकते हैं। जैसे आप पे करेंगे तो गाइज आप यहाँ पे देखें, स्टूडेंट्स आपको देख रहा हो, आप यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। ऑलरेडी 50 स्टूडेंट्स ने यहाँ पे ज्वाइन किया हुआ है, ओके, जो हमारे क्लासेस को अटेंड करते हैं और जो इस कोर्स को बहुत पहले से जो इसमें एनरोल है, नवंबर से बच्चे गाइज यहाँ पे एनरोल्ड है। ऑलराइट, तो मैंने आपको ऑलमोस्ट इस कोर्स के बारे में सब कुछ ही बता दिया है। मैंने आपको बताया था अपने लास्ट वीडियो में, जो जिसमें मैंने 2019 का पेपर फ्री किया था आपके लिए, कि चेक योर प्रिपरेशन लेवल, है ना। ये कोचिंग सबके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती है, वो उस वीडियो का मतलब यही था कि जो 19 का पेपर आपको दिया था, है ना, एज अ फ्री मॉक टेस्ट, उसको अटेम्प्ट करो,
और अगर आपको टॉप 5 IHM चाहिए तो जितने मार्क्स टॉप 5 IHM के लिए चाहिए होते हैं अगर वो आप ले पा रहे हैं तब आपको कोचिंग की जरूरत नहीं है। बट अगर आप उस टेस्ट को अटेम्प्ट करके अगर आपके मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं, है ना, फॉर एग्जाम्पल आपको 500 मार्क्स चाहिए किसी IHM में जाने के लिए, या 600, मैंने कहा था कि टॉप 5 IHM के लिए आपके मार्क्स 600 के आसपास होने चाहिए, मोर देन 600, है ना, तो आप उस मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करो। अगर आपके उतने मार्क्स नहीं आ रहे हैं, आपको कोचिंग की जरूरत फील होती है, तो उन बच्चों के लिए हम ये लास्ट बैच शुरू कर रहे हैं। 5 अप्रैल को बैच शुरू होना है गाइज, और 13 मई तक ये बैच चलने वाला है। मैं आपको बता दूं, राणा जी को पिछले 4 साल से हम ये कोचिंग दे रहे हैं, हमारे बहुत से बच्चे जो हमें बहुत सारे IHMs में हैं। अगर हम टॉप IHM की बात करें, आप पूसा की बात कर लो, मुंबई की बात कर लो, बेंगलोर की बात कर लो, या IHM चंडीगढ़ की बात कर लो, हमारे सभी IHMs में बच्चे एस्टेब्लिश हैं। और उसके बाद हम ना सिर्फ इस एग्जाम की कोचिंग देते हैं, हम उन बच्चों को नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं। जो डिग्री में नोट्स चाहिए होते हैं वो मेरे ऐप पे फ्री हैं, है ना। सेकेंड, इस डिग्री के बाद MSc करनी है, MSc कोचिंग हम देते हैं। इस डिग्री के बाद NSTAT करना है, उसकी कोचिंग हम देते हैं। इस डिग्री के बाद आपको MT के लिए प्रिपेयर करना है, इंग्लिश स्पीकिंग के लिए प्रिपेयर करना है, वो कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो हम सिर्फ सिर्फ आपको NCHM की कोचिंग ही नहीं देते हैं, इसमें एनरोल करने के बाद आपको जो भी हेल्प चाहिए वो सारी हेल्प आपको राणा एजुकेशन प्रोवाइड करवाता है, है ना। तो आप इस चैनल के साथ जुड़िए, है ना, डाउनलोड माई ऐप नाउ। और ऑलमोस्ट मैंने आपको उस कोर्स के बारे में सब कुछ बता दिया है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, अच्छा लगे, तो प्लीज इसको शेयर करो उन सभी बच्चों के साथ जो NCHM CT JEE 2023 के लिए बैठ रहे हैं और जो अपना करियर इस फील्ड में बनाना चाहते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।